कोटा शहर में दीपावली पर आग लगने की घटनाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम के अग्निशमन विभाग की ओर से आज और कल सभी अग्निशमन कर्मचारी ड्यूटी पर अलर्ट मोड में तैयार रहेंगे। दोनों दिन अग्निशमन कर्मचारी 12-12 घंटे की दो शिफ्टों में काम करेंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि नगर निगम के कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण के 4 फायर स्टेशनों श्रीनाथपुरम, सब्जी मंडी, भामाशाह मंडी और रानपुर में कुल 32 दमकल तैनात रहेगी। इसके लिए फायर ब्रिगेड में 1000 लीटर मैकेनिकल फॉर्म की भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, आज और कल 31 और 1 तारीख को सुरक्षा की दृष्टि से 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाएगी, जबकि हमारी जो शिफ्ट है वो 8-8 घंटे की होती है। तो दो दिन के लिए हमने 7 से 7 और रात को शाम को 7 से कल सुबह 7 बजे तक 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है। 3 ऑफिसर मेरे फायर ऑफिसर और असिस्टेंट फायर ऑफिसर, सब हम सब लोग मोबाइल पर रहेंगे। जहाँ भी कहीं अगर फायर कॉल होता है, इंसिडेंट की सूचना होती है, तो नियर बाई जो भी गाड़ी होगी, जो भी अग्निशमन केंद्र होगा, वहाँ से टर्न आउट करेंगे। उसके अलावा हमने पूरा मैकेनिकल फोम, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर और गाड़ियाँ बिल्कुल कंप्लीट कर दी, दोनों हाइड्रोलिक तैयार है। कोई ऐसी अगर घटना होती है तो पूरी तरह अग्निशमन जो स्टाफ है, अग्निशमन विभाग है, मुस्तैद है।